आजकल दुनिया में जो माहौल चल रहा है उस पर मुझे वीडियोस तो बनाने का जो मेरा मूड है, जो मेरे टॉपिक्स हैं उन पे ही है कि यार आजकल खासकर इमिग्रेशन पे बनाऊँ, जॉब सर्च पे, बिजनेस के ऊपर बनाऊँ, या यंगस्टर्स को देखते हुए शादी वगैरह के चीज़ें जो उनके इश्यूज़ हैं और उन पे बनाना चाहता हूँ। क्योंकि इमिग्रेशन का खासकर अब ये लास्ट टाइम एक तरह से आ रहा है, एक बूम आएगा और ये लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए लास्ट चांस होगा कि वो कहीं इमिग्रेट कर जाएं। बाकी जॉबों का तूफान तकरीबन अमेरिका में आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया में आ चुका है, मिडिल ईस्ट में भी शायद आ ही जाएगा, अभी आ रहा है। तो मैं अपने टॉपिक्स को तो वो रखना चाहता हूँ, लेकिन मुल्की हालात ऐसे हैं कि फिर मुझे थोड़ा बहुत ना चाहते हुए सियासत पे कमेंट करना पड़ता है, और मैं वो एक्चुअली सियासत पे नहीं कर रहा होता, वो इश्यूज़ पे कर रहा होता हूँ। अब वो किसी के भी नाम आते हों, आ जाते हों, किसी को बुरे लगते हों, लगते हों, लेकिन मैं किसी पैटर्न पे चल रहा हूँ। जो पिछले दिनों वाकयात हुए हैं उसमें मुझे बहुत दुख है कुछ चीज़ों का, आईन को तोड़ा गया और खैर अदालत ने उसे उठा के उनके मुंह पे मार दिया तोड़ने वालों को, लेकिन जिस तरह लोगों ने खुशियाँ मनाई हैं आईन टूटने के ऊपर, हैरान कौन है। और मस्जिद नबवी की बेहरमती होती है, लोग खुश हैं कि यार चलो फलां फलां की बेइज्जती हुई, हम खुश हैं। तो और मैं बाकी चीज़ें देखता हूँ कि यार लोगों की बेसिक्स पहले ही कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी, लेकिन जो पिछले दौरे हुकूमत में जिस तरह के जोकर्स, जिस तरह के चवल, शहबाज़ गिल टाइप लोगों को आपने, फवाद चौधरी टाइप लोगों को, फवाद चौधरी का तो चलो फिर विजन है, वो झूठा बंदा है बहुत, उस वजह से थोड़ा मसला बन जाता है, लेकिन शहबाज़ गिल टाइप लोग, इस तरह के लोग जब आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने पे आ जाएं तो क्या हशर होगा, वही होगा कि जो होता है। तो मुझे बहुत फील होता है कि यार हमारे यंगस्टर्स को, जिनको मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं समझता, अगर वो सिग्नल पे नहीं रुकते तो उन्होंने अपने बाप को ही नहीं देखा कभी सिग्नल पे रुकते हुए, अपने चाचा को नहीं देखा, अपने मामे को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा उसने, वो बचपन से यही देखता आया है, 1 साल की उम्र से। पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान में कोई ट्रैफिक लाइट फॉलो थोड़ी होती, तो उस बेचारे ने देखा ही नहीं, तो अब उसको हम क्या कसूरवार ठहराएंगे। तो मैंने ये सोचा है कि यार अब कुछ एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ यूथ सीरीज के नाम से। तो मैं एटलीस्ट 10-12 वीडियो इस पे करूँगा, हर वीडियो में एक चीज़ के ऊपर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज का मैं टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है कि यार मैं देखता हूँ कि लोग अदालतों को, वो तो खैर किसी और वजह से निशाना बना रहे हैं कि यार आपको जो लीडर आपका या आपकी सियासी लाइन जो होती है वो कहेगा कल अदालतों की पपियाँ लेनी शुरू कर दो तो वो लेनी शुरू कर देंगे, वो कहेगा गालियाँ देनी शुरू कर दो तो गालियाँ देनी शुरू कर दो, कल्ट फॉलोइंग है, अजीब एक हाल है। लेकिन कुछ लोग वाकई ये समझते हैं, यानी कि सीरियस ये समझते हैं कि यार अदालतें जो है ना कुछ मामलों में कभी इतवार को खुल जाती हैं, कभी जो है ना रात को खुल जाती हैं 12 बजे, और कभी जो है लोगों को इंसाफ बहुत जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को इंसाफ देर में मिलता है। ये क्या मजाक है, तो देखने में वाकई ये मजाक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझेंगे, जिस तरह मैंने प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट बताया था, अब आजकल आप इमरान खान का प्रोटोकॉल चेक करें, हालांकि वो कौन है ना, वो वज़ीर आज़म है ना वो एम एन ए चले हैं लेकिन रिज़ाइन दिया हुआ है, क्या है वो, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रोटोकॉल चेक करें किस लेवल का है, जो कि बिल्कुल सही है, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, उसकी जान की बहुत बहुत अहमियत है, वो करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी जान पाकिस्तान के लिए, तो जायज़ है वो प्रोटोकॉल, उसको आप बिल्लू बर्फ़ वाले की उससे नहीं कंपेयर कर सकते कि यार उसको तो कुछ नहीं मिलता, ये इमरान खान क्यों 10 मोबाइलें लेके घूम रहा है भाई, तो उसकी कुछ वजह है। तो इसी तरह अदालतों को जो लोग गालियां दे रहे हैं, तो उनके लिए आज ये कॉन्सेप्ट है कि यार अदालतें 12 बजे क्यों खुलती हैं और इतवार को क्यों खुलती हैं और फलाना क्यों होता है। तो अदालतों के पेश नज़र किसी भी केस को लेने के लिए या अदालतें खोलने बंद करने के लिए 2 से 3 चीज़ें कारफरमा होती हैं, वो उसको देखती हैं। नंबर 1, इस इशू से कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, किस बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, और नंबर 3, वो कौन लोग हैं जो मुतासिर हो रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों को जब वो देखेगी, इसमें जितना बड़ा उसका आंसर होगा अदालत उतनी जल्दी उस केस को टेकअप करेगी। मिसाल के तौर पे आईन को तोड़ा गया, आईन को तोड़ा गया, इससे कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं,
इससे पूरी की पूरी आबादी मुतासर हो रही है। 25 करोड़ असम्बलियाँ तोड़ दी, सबको घर भेज दिया भाई, मुंतखब नुमाइंदों को ऐसे कैसे और सबको गद्दार भी करार दे दिया भात के हाथ। उन्होंने कहा चलो यार मौका गद्दार भी कर दो। तो इससे कितने लोग मुतासर हो रहे हैं, इससे करोड़ों लोग मुतासर हो रहे हैं और आइन मुतासर हो रहा है। आइन का मतलब मुल्क होता है और मुल्क का मतलब आइन होता है। इसको अब हम शॉर्ट में यूँ समझ लें, आइन को जो हम लोग कागज़ का टुकड़ा समझते हैं, अल्लाह हम लोगों को अकल दे। दूसरा, किस बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। एक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो जाए तो उस मुल्क का फ्यूचर अजीब हो जाता है, अनार्की फैल सकती है। जिन्हें गद्दार करार दिया वो अपने सपोर्टर को लेके कहीं हमला कर देते, तोड़ फोड़ शुरू कर देते। अपनी उन्होंने एक और गलती की, खुद ही असेंबली अपनी लगा के एक और शहबाज शरीफ को नॉमिनेट खुद ही कर, मतलब ये भी एक तरह से आप मावराए आइन, आप कानून को भूल चुके आप लोग। तो ये बहुत बड़ा केस था, इसको फौरी तौर पर अदालत ने टेकअप करना चाहिए था और किया, बहुत अच्छा किया। और क्योंकि ये एक ओपन एंड शट केस था तो 4-5 दिनों में उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस था, अदालत को सुनना चाहिए था। और उसने 4-5 दिन लगाए, जो कि कुछ लोगों की नज़र में ज़्यादा लगा लिए कि ओपन एंड शट केस था, इसमें 4-5 घंटे में फैसला आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ठीक किया उन्होंने, सबको मौका दिया सारा कुछ। अब उसमें देखना है कौन लोग मुतासर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब रात 12 बजे अदालतें खुली, उस वक्त हुआ क्या था हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। अगले दिन इमरान खान का मुंह बता रहा था कि कोई टाइट सीन हुआ है, लेकिन उससे मुतासर कौन हो रहा है। अगर किसी केस से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुतासर हो रहा है, आपकी फ़ौज मुतासर हो रही है, फ़ौज में बगावत का ख़तरा हो रहा है, एक आर्मी चीफ को हटा के रातों रात आप जाने के बाद दूसरा आर्मी चीफ अचानक लगा रहे हो, तो बड़े लोग मुतासर हो रहे हैं, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से आपका मुल्क मुतासर हो रहा है। तो इस मामले को फौरन टेकअप करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये होती है कि लोग किस बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कि एक केस होता है जिसमें यार हत्ता के इज्जत का मामला है, एक है कि जाने जा रही हैं भाई, ठीक है, एक जगह लोग बम मार रहे हैं, अब अदालत बोल रही यार आज संडे हम तो कल देखेंगे, वो भाई जाने जा रही हैं, यानी कि ये डॉक्टर है उसको रात को बुलाया गया, वो कह रहा नहीं यार मेरी ड्यूटी नहीं है मैं सुबह, भाई वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ बंदे मर रहे हैं, वहाँ बम फट गए, वहाँ एक्सीडेंट्स हो गए, आप आ जाओ, वो बोले नहीं यार मैं तो। तो अदालतों का भी यही काम है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये तीन पराए में वो देखती है। अब ये कि यार कुछ लोगों को इंसाफ जल्दी मिल जाता है, कुछ को देर में, तो उनकी यही बात है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ को ज़मानत जल्दी मिलती है, लेकिन नवाज शरीफ को सज़ा भी बहुत जल्दी मिलती है। पनामा केस में सिर्फ नवाज शरीफ को सज़ा मिलती है, बाकी सब घूम रहे खुलेआम। इसी तरह और भी बहुत सारे स्कैंडल्स आए बाद में, बड़े अहम लोगों के आए, कोई सज़ा नहीं मिल रही। क्यों? उन बंदों की इम्पोर्टेंस, उनकी कितना उन लोगों में असर है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये उन्हें कभी फ़ायदा हो जाता, कभी नहीं भी होता। कहीं इमरान खान मुतासिर होंगे, कहीं दूसरा मुताब, शहबाज गिल और शेख रशीद वगैरह की खड़े खड़े ज़मानत हो गई, क्या मुझे कभी ज़मानत चाहिए होगी, मुझे ऐसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अदालत में इमरान खान के, मेरा ख्याल है बचपन से चल रहे हैं हमारे और वो चलते ही रहेंगे। तो फैसल वाड़े का केस था जो कि 10 मिनट की मार था, वो तकरीबन जब तक हुकूमत रही चलाते रहे मजाक करते रहे हमारे साथ। 35 पंचर वाला केस है, नजम सेठी रो रहा है इमरान खान आते ही नहीं अदालत में। मालम जब्बे केस, फलाने केस, धमाके केस, शहबाज शरीफ ने हत्या के इज्जत का केस किया है, इमरान खान पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो रो रहा है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उस केस की इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे लोग मुतासर नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ मुतासर हो रहा होगा, अदालत क्या करे इसमें, उसको वो अदालतें सुकून से सुनेंगी, अपनी पूरी ज़िंदगी लगाएंगी, वो नजम सेठी और शहबाज शरीफ कब्रों में चले जाएंगे, खान साहब को कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि उससे लोग मुतासर नहीं हो रहे, उससे किसी की जान नहीं जा रही। लेकिन ये जो जिसमें अदालतें 12 बजे और इतवार को खुली, इसमें पूरा मुल्क जा रहा था। तो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ये कॉन्सेप्ट समझाने की कि एक इंतहाई कभी फेल है कि यार नवाज शरीफ के बाद उसकी औलाद, उसके बाद उसकी औलाद, इसी तरह भुट्टो की औलाद, उसकी औलाद, और लोग ऐसे हैं कि जो भाई एतज़ाज़ एहसन रज़ा रब्बानी ये वो ये उनको सलाम ठोकते हैं और कमर जमान कायरा टाइप उनको क्यों वो कर लेते हैं, आखिर क्या चक्कर है, और मौरूसी सियासत क्यों हमारे मुल्क में ज़िंदा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे क्या मिस कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उस पर बात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।